जहां एक और यह साल चुनावी साल साबित होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल है, जिसमें राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, तो वहीं खबर आ रही कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पूरी तैयारी के साथ चलने वाले हैं और इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले और मध्य प्रदेश की राजनीति में राजा साहेब कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह अपनी पूरी तैयारी के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में घुस चुके हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह से महासचिव पद की जिम्मेदारी वापस ली और उनसे आंध्र प्रदेश राज्य का प्रभार भी वापस लिया। उल्लेखनीय है कि दिग्विजय के पास पिछले साल तक गोवा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में अपना प्रभार संभाल रहे थे। तो वहीं कहा यह भी जा रहा था कि आंध्र प्रदेश का प्रभार लेने के बाद दिग्विजय से ये पद छीन लिया गया, लेकिन आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने खुद ही सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति में उतरने की इच्छा जाहिर की है, जिसके चलते दिग्विजय सिंह को एमपी विधानसभा चुनाव के लिए गठित समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखना यह है कि दिग्विजय सिंह क्या कमाल दिखाते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।